हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ और घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ एकदम हलवाई स्टाइल में सूजी मावा की गुजिया। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे जो मेरी फिलिंग है वो पहले से तैयार की हुई है मैंने, जो मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगी देखने के लिए। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो मैदा। अब मैं उसमें डालूंगी 1 कटोरी भर के घी। बस घी का आपको यही मेजर रखना है कि जब आप आटा गूंथते, अगर आपकी मुट्ठी बनने लगे, आपका आटा अच्छे से बनने लगे मुट्ठी में, यानी कि आपका जो मोइन है वो एकदम परफेक्ट है आटे में। देखिए मेरी मुट्ठी बनने लगी आटा एकदम से, तो इस तरीके से यानी कि हमारा जो मोइन है एकदम परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं आटे को सेट कर लूँगी। मैंने पहले भी बताया कि मैं आटा किस तरीके से लगाती हूँ मैदा को, उसी तरीके से तोड़ तोड़ के मैं अच्छे से मैदे को सेट कर लूँगी। देखिए किस तरीके से मैं तोड़ तोड़ के अच्छे से सेट कर ले रही हूँ मैदा को, जिससे कि बाद में पूड़ी बेलते टाइम हमारी पूड़ी ना खिंचे। देखिए आटा हमारा एकदम सॉफ्ट तैयार हो चुका है। अब मैं इसे कॉटन के कपड़े से कवर कर दूंगी, थोड़ा सा गीला करके कपड़ा। अब यहाँ पर मैंने लिया 2 चम्मच मैदा और इसमें डाला है थोड़ा सा पानी। अब इसको मिक्स करके अच्छे से रख देंगे, जब हम गुजिया बनाएंगे उस टाइम पर हमें इसका यूज़ करना होगा। अब जितना भी हमें लोइयाँ निकालनी है उसके हिसाब से मैं आटा ले लूँगी और बाकी आटे को मैं अच्छे से कवर करके फिर से साइड में रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हम रोल बना लेंगे उस आटे का मसलते हुए अच्छे से। मैं चाकू की सहायता से छोटी छोटी लोइयाँ कट कर लूँगी, आप चाहें तो हाथ से भी लोइयाँ तोड़ सकते हैं। इसकी लोइयाँ थोड़ी हैवी ही रखते हैं, ज़्यादा छोटी लोई नहीं रखते हैं, क्योंकि इसकी जो पूड़ी है वो हमें थोड़ी सी मोटी बेलनी होती है, एकदम पतली पूड़ी नहीं चाहिए होती है मीन गुजियों के लिए, इसलिए थोड़ी सी मोटी पूड़ी रखेंगे। देखिए किस तरीके से मैं पूड़ी बेल ले रही हूँ, एकदम से हर तरफ से ये बराबर है, कहीं से पतली नहीं है कहीं से मोटी नहीं है। देखिए दूसरी पूड़ी भी मैं उसी तरीके से बेल लूँगी। अच्छी परफेक्ट पूड़ी बनके तैयार हुई है। देखिए इतनी थिकनेस हमें इसकी रखनी है, अगर ज़्यादा पतली कर देंगे तो हमारी पूड़ियाँ अच्छे से नहीं बन पाएंगी। अब एक प्लेट में मैं सारी पूड़ियाँ बना बना के रख लूँगी पहले से ही, इसके बाद हम गुजिया बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे सारी पूड़ियाँ मैंने बेल ली हैं एक साथ, जितनी आप बेल सकते हैं एक बार में उतनी बेल लीजिए और फिर उतनी ही की आप गुजिया बना के तैयार कर लीजिए। देखिए साइडों में जो हमने पानी बना के रखा है वो लगाएंगे। अब यहाँ अच्छे से हम फिलिंग भरेंगे सेंटर में, बस ये है कि साइडों में ना जाए फिलिंग, अगर साइडों में जाएगी तो हमारी गुजिया आपस में चिपकेंगी नहीं। अब देखिए किस तरीके से मैं अच्छे से प्रेस कर दूंगी, बंद कर देंगे साइडों से अच्छे से। अब देखिए किनारों से लेते हुए अच्छे से हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है इसको। देखिए किस तरीके से मैं अंगूठे की मदद से अंदर की तरफ फोल्ड करती जा रही हूँ इसको, बस इसी तरीके से हमें करना है और कुछ नहीं, बस एक दो बार प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है फिर ये हमसे आसानी से बन जाती हैं। देखिए किस तरीके से आराम से साइडों में पानी लगाना है, पहले बीच में फिलिंग रखनी है, 1.5 से 2 चम्मच फिलिंग रखेंगे और आराम से दूसरी साइड से उठाते हुए हमें इसको दबाते रहना है, अच्छे से साइड से दबा देना है ताकि हमारी फिलिंग बाहर ना निकले। ये देखिए किस तरीके से अच्छे से दबा दिया है, बस अब इसे हाथ में उठाएंगे, आप जिस साइड से दबाना चाहें उस साइड से दबाते हुए इसकी अच्छी से एक डिज़ाइन बनाते जाएंगे। देखिए बस अंगूठे से इसको दबाइए और ऊपर से पीछे से दूसरी उंगली से दबाते जाइए और बस हमारी डिज़ाइन बनती जाएगी। देखिए किस तरीके से मैं अंगूठा अंदर लगा रही हूँ और पीछे से उंगली से दबाती जा रही हूँ, बस बहुत सिंपल होता है बनाना, बस एक दो बार प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। देखिए यहाँ पे सारी गुजिया हमारी बन चुकी हैं, ऑयल भी देखिए हमारा गर्म हो चुका है और इसमें धीरे धीरे हम सारी गुजिया डाल देंगे
गैस को हाई फ्लेम पे नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे रखना है। पहले हमें लो टू मीडियम पे रखना है, फिर केवल लो पे ही रखना ताकि धीरे धीरे जो गुजिया वो अंदर तक सिक जाए। अगर हम डायरेक्ट तेज गैस कर देंगे तो गुजिया बाहर से तो हमारी सिक जाएंगी, एकदम डार्क कलर आ जाएगा, बट ये अंदर से सॉफ्ट रह जाएंगी और अंदर से अच्छे से नहीं सिक पाएंगी। इसलिए हमें लो गैस पे इनको सेकना होता है। तो जब तक हमारी यहाँ इस साइड गुजिया तैयार हो रही है, जब तक हम दूसरी साइड चाशनी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने रखी है एक कटोरी चीनी, अब इसमें मैं डालूंगी एक कटोरी पानी और बस इसको हम चलाते चलाते, जब तक हमारी चीनी घुलती नहीं है बस तब तक ही हम इसको पकाएंगे। इसको ज़्यादा हमें पकाना नहीं होता है इस चाशनी को। देखिए चीनी हमारी घुल चुकी है, अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच इलायची पाउडर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस एक चिपचिपा सा पानी चाहिए हमें, मीठा पानी, अदर बस और कुछ नहीं करना। अब गैस का फ्लेम हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप उंगली से टच करके देख सकते हैं अगर आपकी दोनों उंगलियाँ चिपक रही हैं, यानी कि आपकी चाशनी परफेक्ट है। देखिए हमारी गुजिया भी यहाँ पे बन के रेडी हो गई हैं। जब तक जितनी देर में आपकी गुजिया सिकेंगी उतनी देर में आपकी चाशनी भी बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि इन गुजियों को सिकने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि लो गैस पर हम इन्हें सेकते हैं। तो देखिए गुजिया हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं दोनों साइड से। अब हम इनको अच्छे से, जब जो इनका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकालते हुए अच्छे से कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। अब बाकी की गुजिया भी मैंने डाल दी है कढ़ाई में सिकने के लिए। अब जो गुजिया हमारी फ्राई हो चुकी है वो हम चाशनी में डाल देंगे धीरे धीरे। दोनों साइडों से अच्छे से पलट देंगे ताकि अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब हो जाए इनमें। और 3 से 4 मिनट तक हम गुजियों को इनके अंदर रखेंगे, फिर वापस से हम इनको निकाल लेंगे। ज़्यादा देर तक के लिए नहीं छोड़ना है, बस मुश्किल से 3 से 4 मिनट। अब देखिए यहाँ पे हमारी गुजियाँ वो एकदम रेडी हैं, दिखने में भी एकदम लग रही है ना हलवाई स्टाइल, जैसे कि हलवाई से लेकर आए हों। तो बस आप भी इसी तरीके से घर पर बहुत ही आसान तरीके से इन गुजियों को बना सकते हैं, जो कि देखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनेगी। तो आपको अगर मेरी ये गुजिया की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।